हम यह चर्चा कर चुके हैं कि हम सभी की अपनी क्षमताएं हैं और हमारा देखना, सुनना, सूंघना, महसूसना सब का सब हमारी इन क्षमताओं पर निर्भर करता है। चील हमसे अधिक दूर तक देख सकता है, फिर भी वह एक दूरी के बाद की चीज नहीं देख पाता। इससे यह तो तय है कि हम अपनी इन आंखों से एक हद तक ही देख सकते हैं। और सच तो यह है कि इन आंखों से हम दूर की चीज तो दूर की, पास का कोरोना भी नहीं देख सकते। फिर चील की सी आंखें पाकर तो क्या उससे भी कहीं ज्यादा तेज हो जाएं ये आंखें, तो भी ईश्वर को हम क्या ही देख पाएंगे। लेकिन हमारा मन है कि मानता ही नहीं, वह चाहता है ईश्वर को देखना, वह चाहता है हर उस चीज को देखना जो उसे प्यारी लगती है। और ईश्वर से प्यारा और क्या हो सकता है भला। उस प्यारे से ईश्वर की सलोनी सी छवि को देखने की इच्छा हम सब में होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। हमारे मन की यह इच्छा हमारा मन खुद ही पूरी कर सकता है। सोचिए उस बच्चे की जिसकी मां उसके जन्म के साथ ही उसे छोड़ गई हो, क्या उसकी आंखों में मां की छवि नहीं बसी होती? मां की छवि तो उसके मन में भी अंकित रहती है जिसने कभी अपनी मां की तस्वीर तक नहीं देखी। वह किसी दूसरे की मां को देखकर अपनी मां की तस्वीर खुद से ही बना लेता है मन ही मन में। जो कोई उसे अच्छा लगता है उसी से मिलती जुलती छवि का निर्माण वह उस अनदेखी मां के लिए कर लेता है। जो काम हमारी आंखें नहीं कर पाती हमारा मन कर लेता है। महाकवि सूर अपने मन की आंखों से ही बच्चे की चपलता को जिस तरह देख लेते हैं, वैसा तो हम में से बहुत अपनी इन खुली आंखों से भी नहीं देख पाते। ईश्वर के संतान के तौर पर हम सब की स्थिति उस बच्चे के समान ही तो है जिसने अपने जन्म के साथ ही अपनी मां को खो दिया हो। अगर वह बच्चा मन ही मन अपनी मां को देख लेता है तो हम उस ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते जिससे हम इतना प्यार करते हैं। सवाल तो यह है कि वाकई हम उसे प्यार करते हैं क्या, और उसे देखने की सच्ची लालसा रखते हैं क्या। नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या मैं ईश्वर को देख सकता हूं? तो इस पर गुरु जी ने उसका सिर पानी में घुसेड़ दिया और वह सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। उसे बाहर निकालकर रामकृष्ण ने उससे पूछा कि क्या तुम इतना ही चाहते हो ईश्वर को देखना जितना कि तुम अपनी जान बचाने के लिए अभी तड़प रहे थे? नरेंद्र को अपना उत्तर मिल गया। मन में हरि दर्शन की तड़प न हो तो वह क्या ही दिखेगा। और जिस दिन यह तड़प पैदा हो जाएगी उस दिन हमारा राम हमारे मन में ही बैठा मिल जाएगा। पर सवाल तब भी वही है, वह दिखेगा तो दिखेगा कैसा? जिस बच्चे ने अपनी अनदेखी मां का अक्ष अपने आंखों में बसा रखा हो वह चाह कर भी किसी और को भला क्या बताएगा कि वह दिखती कैसी है। सच तो यह है कि अपनी मां की जो छवि
उसके मन में है वह अद्वितीय है और वैसी छवि कोई दूसरा अपने मन में बना ही नहीं सकता, और तो और कोई और भाई बहन तक नहीं। ईश्वर की कोई एक छवि हो तो बताएं, जितने मन उतनी छवियां। मन में खींचा गया अक्ष किसी कैमरे से ली गई तस्वीर नहीं होता कि चाहे जितनी ही कॉपी करा लो सब एक से ही नजर आएंगे। हमारा मन तो हर क्षण ही छवियां बनाता है और मिटाता रहता है। फिर जब वह छवि खुद हमारे भीतर ही बदलती रहती है तो वह किसी और तक पहुंच कर भी क्या वही रह सकेगी? मन बेहद चंचल है, बड़ी ही तेजी से वह कहीं से कहीं जा पहुंचता है। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए जितना आवश्यक है उसे देखने की तड़प होना उतना ही जरूरी है मन का शांत रहना। मन में तड़प हो तब भी वह शांत हो, ऐसी स्थिति। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जिन स्नेही जनों को मेरा यह प्रयास सार्थक लगा और उन्होंने इसे जारी रखने की प्रेरणा दी, उन सबों का आभार। एक एक करके आप भी जुड़ते जाएं और अपने अन्य मित्रों को जोड़ते जाएं, इस चर्चा को जारी रखने का उत्साह मेरा बना रहेगा। धन्यवाद।